नमस्कार न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे प्रोफेसर सत्यजीत रथ के साथ वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स की जो बातचीत चल रही है और किस तरह वैक्सीन की वितरण हो रही है इसके बारे में सत्यजीत पहला सवाल आप आपको करना चाहते हैं इस वक्त अगर देखें कि वैक्सीन की जो जरूरत है और जो एक्चुअली लोगों तक पहुंच रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है कुछ जिसको हम हाई इनकम कंट्रीज कह सकते हैं वहाँ पर 25-30 परसेंट लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है की गई है पर अगर जैसे अफ्रीका हो बड़े पैमाने पर दूसरे मुल्क हो जिसको हम पिछड़े हुए मुल्क इकोनॉमिकली पिछड़े हुए मुल्क कहते हैं भारतवर्ष को लेकर भी क्योंकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन तो हुए हैं पर परसेंटेज के हिसाब से अभी भी काफ़ी कम है ये सब देखते हुए सवाल जो आ रहा है क्या वैक्सीन दूसरे लोगों को जो हाई इनकम देशों में नहीं रहते हैं मिडिल इनकम लो इनकम देशों में रहते हैं उन पर उनके पास वैक्सीन पहुंचने में कितनी देर लगेगी और उसमें रुकावट किस बात की है तो दो तीन मुद्दे अपने दर्शकों को याद दिलाए पहला मुद्दा तो ये है कि एक वैक्सीन नहीं काफी वैक्सीन है और ये जो काफी वैक्सीन है इनमें से कई ऐसी हैं जो निजी कंपनियों ने बनाई हुई हैं तो जाहिर है कि मुनाफे के लिए एक दूसरे से स्पर्धा कर रही हैं तो इससे भी एक तरीके का दबाव बनता है और ऐसी दिशाएं उभर आती है कि किसको मिले और किसको ना मिले मुनाफे के आधार दूसरा मुद्दा यह है कि जो बिल्कुल गरीब देश हैं, जहां वैक्सीन पहुंचनी चाहिए क्योंकि हालांकि वहां अभी तक कोविड उन्नीस की बीमारी बड़े पैमाने पर भले ही ना पहुंची हो लेकिन है तो जरूर और जहां भी है वहां उसके वेरिएंट्स का निर्माण होने का डर है आज, आ, संभावना है और इस वजह से जाहिर है कि दुनिया के हरेक कोने तक वैक्सीन पहुंचनी चाहिए तो जाहिर है कि गरीब देशों के पास भी पहुंचनी चाहिए और गरीब देशों के पास पहुंच नहीं रही अब गरीब देशों के पास मुनाफे वाली वैक्सीन पहुंचेगी कैसे भला तो एक रास्ता यह है जो डब्ल्यू एच ओ ने अब अपनाया था तो यह कहा था कि कोवैक्स एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म होगा है जिसके आधार पर सारे देश अपनी अपनी ओर से वैक्सीन कोवैक्स को डब्ल्यू एच ओ को सौंपेंगे और डब्ल्यूएचओ उनका बंटवारा करेंगे कम से कम हर देश के लिए 20 फीसदी वैक्सीन फ्री मिलेगी मुफ्त में मिलेगी लेकिन ये होने के लिए कोवैक्स के पास वैक्सीन आनी चाहिए वो आ नहीं रही तो क्यों नहीं आ रही एक और से यह है कि अमीर देश जो है अपनी आबादी के लिए वैक्सीन रख रहे हैं कोवैक्स तक पहुंचने नहीं दे रहे दूसरी ओर यह है कि जो कंपनियां हैं वो मुनाफे की ओर देख रही हैं और अपने अपनी दबंगता के ओर देख रही हैं। अगर पूरा मुनाफा ही ना हो तो उस कोवैक्स को नहीं दे रहे तीसरी ओर यह है कि भारत जैसा देश भी जहां बड़े पैमाने पर वैक्सीन बन रही हैं कोवैक्स को दे रहा है लेकिन सिवा कोवैक्स के अपनी ओर से बतौर भेंट के अलग सा वैक्सीन दे रहा है क्यों दे रहा है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए दे रहा है अपनी दबंगता बढ़ाने के लिए दे रहा है तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से वैक्सीन जह, जहां तक जिन लोगों तक जिन गुटों तक पहुंचनी चाहिए थी वहां तक पहुंच नहीं रही और बुनियादी कारण ये है कि हमने वैक्सीन का निर्माण और वैक्सीन का बंटवारा पूंजीवादी मुनाफेखोर पूंजीवादी के जरिए करना अपनाया है सिर्फ अगर आंकड़ों को देखें तो हमें इस साल के अंत तक अगर सबको नहीं सिर्फ पच्चीस पचास प्रतिशत लोगों को वैक्सीन देने की हम प्लान करते हैं तो इसका मतलब हमें सात बिलियन वैक्सीन हमें चाहिए वहां पर इस वक्त उत्पादन के लिए तो कह रहे हैं कि साल के अंत तक बारह बिलियन डोजेस वैक्सीन की उत्पादन होगी इसका मतलब कि अगर हम सही बंटवारा करें तो दुनिया की सत्तर फीसदी लोगों को शायद हम वैक्सीन दे पाएंगे अगर हम सही बंटवारा करें सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह इस पे है। पर अब जो देख रहे हैं अगर आप देशों की देखें कितनी ब्लॉक कर रखी है उस उन्होंने सेल का तो वहां देखेंगे कि जो अमीर मुल्क है 500 परसेंट तक कनाडा ने 500 प्रतिशत डोजेस अपने लिए रख रखा है 100 नहीं 500 रख रखा है अमेरिका 200 परसेंट यूरोपियन यूनियन यूके 200 हंड्रेड टू थ्री परसेंट तो मतलब यह है कि अपने लिए सिर्फ नहीं कि अपने के क्योंकि पता नहीं कौन सी वैक्सीन सफल होगी नहीं होगी अब ज्यादातर वैक्सीन सफल होने में दिखने को आ रहा है तो यहाँ पर जो इस तरह की जो बंटवारा है जिसपे अपनी जरूरत से ज्यादा वैक्सीन ब्लॉक कर रखे हैं तो इससे यह लग रहा है कि कैपेसिटी रहने के बावजूद भी हम वैक्सीन की वितरण नहीं कर पाएंगे तो इसमें आपका आपने कोवैक्स के बारे में बात किया तो कोवैक्स के साथ साथ एक और एक चीज उसमें था कि पेटेंट पूलिंग होनी चाहिए कि जो पेटेंट है उसको सी टैप उस हुआ आज तक एक पेटेंट का नोहाउ पेटेंट जो भी कहे उसमें शेयर नहीं हुआ है तो इसपे आपको क्या लगता है कि जो सवाल हिंदुस्तान साउथ अफ्रीका और साउथ देशों ने किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिर्फ पेटेंट नहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वितरण होनी चाहिए बड़े पैमाने पे ताकि जो भी वैक्सीन बना सके जिस देश में हो तो इस महामारी के सामने उनको वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को हमें सहायता करनी चाहिए तो ये जो प्रस्ताव डब्ल्यू टी में आप जानते हैं इस वक्त है तो वो उस पर उसके बारे में क्या रवैया अभी इस वक्त है मुल्कों की और खास तौर से निजी कंपनियों की तो इसमें एक मुद्दा ये आता है जो दुगुनी तीन गुनी चार गुनी पांच गुनी दो की मात्रा अमीर देशों ने अपना के रखी है हड़प के रखी है वो उनकी ओर से देखो तो वो कहते हैं कि भैया हमने पैसे दे के तो बुकिंग कर रखी है यू नहीं के जोर जबरदस्ती हड़पी है तो इस पर उल्टा सवाल अपन ये कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है तो फिर निर्माण की कैपेसिटी बढ़ाए बड़े पैमाने पर निर्माण हो तो जब बड़े पैमाने पर निर्माण की बात आती है तो आपने जो जिस अड़चन की ओर निर्देश किया वो पैदा होती है वो सामने आती है वो क्या है वो ये है कि वैक्सीन का निर्माण दो रुकावटों से थमता है एक रुकावट पेटेंटों की है लेकिन दूसरी रुकावट वो है कि भैया आपको जो छोटे छोटे ट्रिक्स होती हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी अपनाने की वो आपको अवगत है या नहीं वो आप जानते हैं या नहीं उस तरीके की ट्रेनिंग और कैपेसिटी आपके पास जो तंत्रज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं उनके पास है या नहीं और इसके लिए सिर्फ निजी कंपनियों ने पेटेंट उपलब्ध कराना काफी नहीं है उसके साथ साथ उन्हें और भी मदद करनी पड़ेगी यहाँ तक कि ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी और यहां तक कि जो उनकी ट्रायल से निकला हुआ डेटा है उनकी ट्रायल से निकली हुई निकले हुए सबूत हैं, उनको सबके लिए खुला कर दो। ये सारा का सारा का जो ढांचा है खुलेपन का ये अगर अपनाएं, तभी जाके वैक्सीन के निर्माण का एक्सपेंशन हो सकता है बड़े पैमाने पर फैलाव हो सकता है दुनिया में और तभी जाके काफी डोजों में काफी मात्रा में वैक्सीन का निर्माण इस साल के अंदर अंदर हो सकता है वरना जिसके पास पैसा है उसको वैक्सीन का डोज है और जो दूसरे लोग कह रहे हैं बहुत सारे पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स डब्ल्यूएचओ एच ओ के डायरेक्टर जनरल ने खुद कहा है कि ये तो सिर्फ ग्रोटेस्क की नहीं है जो हो रहा है ये नरसंहार का रास्ता बना रहा है पर उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर आप इस चीज को बड़े पैमाने पे नहीं करेंगे वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो दुनिया की इकोनॉमी रिकवर करने वाली नहीं है पर असली बात तो ये है लोग सोचते हैं वो बात भी देखेंगे अभी तो हमारे लिए वैक्सीन होनी चाहिए दुनिया जाए बाढ़ में तो वो तो एक समझ दिखने को मिल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी का इसके बारे में चिंता जो अमीर देश है उनको भी नहीं है पर आप इस कह रहे थे कि बड़े पैमाने पे वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने की क्षमता बहुत सारे मुल्कों में है खास तौर से लैटिन अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया हिंदुस्तान में तो तौर से है ही क्योंकि हिंदुस्तान अभी भी इंडिया सिक्सटी परसेंट वैक्सीन दुनिया का बनाता है बल्क में रेवेन्यू की तरफ से नहीं बट जो वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो 60% परसेंट वैक्सीन हिंदुस्तान से आता है और ख़ास तौर से आज के तारीख पे जो दो वैक्सीन्स जो गरीब देश बन ले सकते हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे वो वैक्सीन इस्तेमाल हो सकता है माइनस सेवेंटी माइनस एट्टी डिग्री के अल्ट्रा कोल्ड चेन की ज़रूरत नहीं है जो एम आर के हैं उनकी टेक्नोलॉजी जो है बायोलॉजिक्स की ओर देखे या वैक्सीन की ओर देखे दोनों बहुत सारे मुल्कों में है तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो आप कह रहे हैं कि जो काबिलियत है इन देशों में उसकी अगर सही इस्तेमाल हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और ये सब जो चीजें ढांचे के अंदर ज्ञान बंद है इस वक्त इसकी अगर सही वितरण हो तो एक्चुअली एक साल में कम से कम एक साल में हम सबको वैक्सीन दिला सकते हैं ये संभावना है और खास तौर से जो टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं आपको फिर आना चाहता लाना चाहता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म्स है उस की प्लेटफॉर्म बहुत पुरानी है और जो एडिनोवायरस वेक्टर वाले वैक्सीन है प्रोटीन वाले वैक्सीन है ये भी तो लगता है बायोलॉजिक्स जो कंपनियां हैं उनके लिए बड़े पैमाने पे बनाना इतना दिक्कत की दिक्कत की बात नहीं है थोड़ा हमने ध्यान रखना चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं भले ही एम वाली टेक्नोलॉजी हो भले एडिनोवायरस की हो या प्रोटीन की हो ये अपनाना कई मुल्कों में कई जेनेरिक वैक्सीन निर्माता जो हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल तो है नहीं लेकिन उनका आंकड़ा भी बहुत बड़ा नहीं है तो इसलिए जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स को जिन आज निजी कंपनियों ने वैक्सीन बनानी है बना ली है उनके साथ बैठ के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवानी चाहिए इतनी आसानी से वैक्सीन का निर्माण नहीं होगा उतनी ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजीज आसान नहीं है कि कागज पे खुलवा दो तो बच जाएंगी उससे ज्यादा मदद आनी चाहिए और इसलिए जरूरी है कि और कंपनियां तो बगैर दबाव के ये करेंगी नहीं और अगर दबाव आना है तो अमीर देशों से आना है तो इसलिए अमीर देशों को ये जरूरी है कि सिर्फ अपने आर्थिक फायदे की ना सोचें अपने स्वास्थ्य के फायदे की भी सोचे और अपनी ही कंपनियों पर यह दबाव बनाए और मैं स्वास्थ्य का फायदा क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर उन्होंने अपने सारे नागरिकों को वैक्सीन दिलवा भी दी आते दो तीन महीनों में और अन्य देशों में गरीब देशों में महामारी चलती रही तो महामारी के चलने से जिस तरीके के वायरस वेरिएंट्स विषाणु की जो अलग अलग नस्लें हैं वो पैदा होती जाएंगी और जाहिर है क्या? आज नहीं तो कल ऐसी नस्लें पैदा होंगी जो वैक्सीन के जरिए काबू में ना रखी पाए और अगर वैसा हो तो आखिरकार फिर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का नुकसान अमीर देशों तक ही तो पहुंचेगा तो अपने फायदे के लिए अपने स्वास्थ्य के फायदे के लिए सिर्फ अपने पैसे के फायदे के लिए नहीं अमीर देशों पे ये बनती है कि वो अपनी कंपनियों पर दबाव डाले और वैक्सीन का निर्माण दुनिया भर में। ये आपने सही कहा कि खतरा तो ये है कि दूसरे वेरिएंट जो पैदा होंगे पैदा हो रहे हैं जितनी महामारी चलती रहेगी नए वेरिएंट्स निकलते रहेंगे और एक न्यू जनरेशन ऑफ वैक्सीन फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा पर वैक्सीन की कंपनियों तो इसमें मुनाफा देखती है तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है तो एक परस्पर विरोधी यहाँ एक बात आती है कि मुल्कों की अपने जनता के हित में जो करना चाहिए और कंपनियों को हित में जो करना चाहिए ये एक नहीं है स्वार्थ अलग अलग है और आखिरी बात पे मैं आना चाहता था कि देखिए तीन ही देश है इस वक्त जो वैक्सीन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं हाँ हिंदुस्तान अभी इंडिया ने भी कुछ थोड़ी सी रोक बरताई है वैक्सीन के एक्सपोर्ट में क्योंकि हमारे संख्या बढ़ रही है पर इस वक्त अगर देखें आंकड़े देखें तो रूस चीन और भारतवर्ष के अलावा और किसी देश ने वैक्सीन गरीब देशों को मिडिल इनकम देशों को नहीं भेजा है सिर्फ एक दूसरे के अंदर जो है विनिमय किया है और कुछ नहीं किया तो इसको देखते हुए ये नहीं लगता आपको कि इस ये रास्ता चलता रहा तो रूस और चीन और हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है कि इन तीनों मुल्कों को एक अलग रास्ता अपनानी चाहिए खास तौर से गमालिया वैक्सीन की हिंदुस्तान में करीब 550 बिलियन डोजेस की इस वक्त एग्रीमेंट हो चुकी है और उत्पादन पता नहीं कब कैसे शुरू होगा और रेडीज लेबोरेटरी है, है और एक कंपनी इसमें शामिल है तो ये जो चीजें है कि अगर इस तरह से ये लोग जो आप कह रहे हैं जो अमीर मुल्क है अगर इस तरह से बाज नहीं आए तो इसका मतलब है कि रूस और चीन की कंपनियों जो इस वक्त वैक्सीन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान भी कर रही है तो इन कंपनियों के पास टेक हाउ भी है खास तौर से ग्वालिया इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है उसकी काफी टेकर्स है इस वक्त क्योंकि दूसरा वैक्सीन मिल नहीं रहा लोगों को और वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है तो नहीं लगता कि आपको कि अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक स्वार्थ के लिए अमेरिका जैसे मुल्कों इन चीजों को, को दोबारा सोचना चाहिए या पूंजीवादी विचारधारा इतने इनके अंदर इतना मजबूत है ये सोचने का क्षमता इनके पास है नहीं तो मेरे हिसाब से इसमें दुनिया के जो अमीर देश हैं अमरीकी यूरोपीय वाले उनमें और एक और रूस के साथ और दूसरी ओर चीन के साथ जो राजनैतिक तनाव है उस उसी खेल में वैक्सीन्स का मस, मामला भी धकेला जा रहा है और यह बिल्कुल गलत है क्योंकि इन खेलों से दुनिया के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो यहां तक के रूस की और चीन की जो वैक्सीन हैं, वो एक और अमेरिकी गुट वाले देशों में उनकी अप्रूवल नहीं हो रही यहां तक कि हिंदुस्तान में भी उनकी अप्रूवल काफी धीमे धीमे आगे बढ़ रही है और दूसरी ओर वो देश कोवैक्स में भी शामिल होने में कुछ परेशानियां और अड़चने दिख रही हैं तो और बिल गेट्स की जो संगठन है अब जानते हैं वही कोवैक्स प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करता है तो वहां भी अमेरिका की देश के हिसाब से इन्फ्लुएंस नहीं है कंपनियों के लेवल पे इन्फ्लुएंस काफी तो ये यहाँ तक है कि रूस और चीन फिर अप, अपनी ओर से दुनिया को वैक्सीन बेच भी दे, रहे हैं और दे भी रहे हैं और इ, इनके इस इसके जरिए ये जो एक राजनीतिक ग्रेट गेम का चित्र उभर आ रहा है ये जो पूरा पिछली सदी से जो चल रहा है उसी का एक नया रूप आगे आगे आ रहा है लेकिन आज इस महामारी के दौरान ऐसे खेल होना ये किसी को शोभा नहीं देता अमानवीय है बिल्कुल अमानवीय है ये मैंने तो जैसे कहा दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ है सत्यजीत धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए और इन चीजों पर रोशनी डालने के लिए आज के लिए इतना ही देखते रहिएगा न्यूज क्लिक कर हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पे जरूर आइएगा